नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूजन किक्की में। और इस वक्त मैं आपको लेकर आ पहुंची हूँ गोल मार्केट स्थित बुध बाजार। जी हाँ, बुध बाजार में आज हम मेनली जो चीज़ देखेंगे वो है आपकी सजावटी सामान, जो आपके आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स हैं, सोफ़ा कवर्स है और ऐसी चीज़ें जो दीपावली में सजावट के दौरान यूज़ की जाती हैं, उनको हम खासम खास जो है आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, दीपावली के सजावट की वो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स है, वो हमारे हिंदुस्तान के घरों में काफ़ी पसंद किया जाता है। उसकी बहुत अच्छी खासी जो वैरायटी एंड कलेक्शन है वो आपको बुध बाजार के अंदर मिल जाएंगी। तो अगर आप एक नज़र देखो तो बहुत ही बढ़िया जो है फ्लावर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वो पीछे जो सनफ्लावर रखा है दोस्तों, वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद एरिका पाम वगैरह भी है, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आपको यहाँ मिल जाए। और अब भैया जो आप ऊपर देख रहे हो वहाँ पे भी बहुत सुंदर आर्टिफिशियल प्लांट निकाले, उनसे मैंने जब सनफ्लावर्स की कीमत पूछी तो 300 रुपये लगभग उन्होंने बताया। दोस्तों, बुध बाज़ार के अंदर रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बढ़िया कलेक्शन फ्लावर्स का आपको उस तरफ भी मिल जाएगा और भीड़ बहुत अधिक। दीपावली की सजावट की अगर बात करें तो फूल बहुत अच्छे, इन भैया के पास भी बहुत अच्छा ह्यूज कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो ये एरिका पाम वाला है वो फ्लावर पॉट के साथ कितने का मिल जाएगा? पूरा चाहिए? हाँ बताइए। पूरा 800 रुपये का है मैडम ये। 800? तो आप देखिए फ्रेंड्स कि ये एरिका पाम के साथ जो पूरा वाइट फ्लावर पार्ट के साथ आपको 800 रुपये, कुछ कम नहीं हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा, ले लीजिए आप। कितना हो जाएगा तब लगभग? 750 रुपये का पड़ जाएगा आपको, 750 के आसपास मिल जाएगा। हालांकि अगर आप उनसे लें तो वो आपको देने वाले प्राइसेस में और कम भी कर देते हैं। और इनके पास सीरियसली कलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं आपको करीब से दिखा दूं। और इस तरीके का आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक जहाँ पे ये इंडिकेशन आपको लगा है ना दोस्तों, उसके ठीक नीचे ये बहुत ही बढ़िया फूलों का कलेक्शन है। बुध बाज़ार के अंदर सबसे खास चीज़ जो होती है वो यहाँ के वाइट सफ़ेद शर्ट्स होती है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ कपड़े भी बहुत बढ़िया और सस्ते मिलते हैं दोस्तों। आप एक नज़र देखो कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ खरीदारी करते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर आपको दिखाएंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो दीपावली में लोग कर्टन्स वगैरह लेना बहुत पसंद करते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी यहाँ पे आपको रेंज एंड वैरायटी जो है वो मिल जाएगी। और काफ़ी सारे कर्टन्स और दोस्तों कीमतों की बात करें तो 200-300-400 जिस हिसाब से आप रेंज एंड क्वालिटी लेते हैं उस हिसाब से आपको पड़ दें यहाँ दोस्तों। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के कॉफ़ी मग्स वगैरह जो वो भी यहाँ मिल जाएंगे। हालाँकि ये जो कप्स हैं वो तो काफ़ी नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये जो कलर ब्लॉकिंग वाले कॉफ़ी मग्स हैं ये भी आपको बहुत बढ़िया। क्रॉकरी एंड ट्रेस वगैरह भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, इससे छोटे छोटे बोल्स आपको मिल जाएंगे, दीपावली के उपलक्ष्य में आप अपने घरों पे ले सकते हो। फिर ट्रेस आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे है, कुछ आप देख सकते हो सेरामिक प्रिंट्स के भी ट्रेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, छोटे छोटे बोल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल और नॉमिनल रेंज की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है दोस्तों वेडनेसडे मार्केट के अंदर। थोड़ा अगर आप आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पे जो कप्स है, कप्स वगैरह हैं, चाय के कॉफ़ी मग्स हैं, सिपर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो दीपावली के ऊपर अगर आप चाहें तो यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर जा सकते हैं। दीपावली में जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज की जाती है, ली जाती है, वो आपके पास डिफरेंट वैरायटी के जो पावदान हैं वो दरियाँ वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें भी आपको वेडनेसडे मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मिल रही है। ये फर वाले जो पावदान हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया हैं दोस्तों। कई बार इतनी भीड़ में काफ़ी कष्टकर होता है वीडियो बनाना, लेकिन हम आपके लिए लेकर चले आते हैं आज के दिन में जो सजावटी वस्तुएं हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखला रही हूँ। भैया ये वाला स्टैंड कितने का है जी? ये बड़ा, हाँ हाँ वही, नहीं दोनों विद स्टैंड 1200 रुपये का। ये आपको दोस्तों यहाँ पर जो इस तरीके का फ्लोटिंग कैंडल वगैरह जलाना चाहते हैं उसके लिए आपको 1200 का मिल जाएगा। और ये गणपति, सिर्फ गणपति की स्टैंड? नहीं, स्टैंड के साथ बताइए। ये गणपति आपको 2200 रुपये में स्टैंड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन भैया के पास भी डेकोरेटिव वस्तुएं आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए डेकोरेटिव वस्तुओं के साथ साथ रश भी आपको मैं दिखाती जाऊँ। हालांकि इस तरीके की सजावटी चीज़ें आपको काफ़ी मिल जाएंगी और भीड़ तो बहुत है दोस्तों, इसलिए दिखा पाना कई बार मुश्किल भी होता है, लेकिन बस हम आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। और कपड़े वगैरह के लिए तो आप जानती हैं बुध बाज़ार में तो सोचना ही नहीं, लेकिन सजावटी वस्तुओं की ऊपर जो है मेरी नज़र वो है और उसको ढूंढेंगे और फिर दिखाती हूँ आपको क्या कुछ चीज़ें हैं। इधर जो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट जो पावदान है वो मिल जाएंगे, फ्लावर्स वगैरह मिल जाएंगे, सजा
मिलावटी वस्तुओं की तो बिल्कुल, यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल वो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और किसी खास दिन इत्मीनान से जब आऊँगी तब लड़कियों के लिए भी स्वेटर्स एंड शर्ट्स वगैरह जो आई हैं उसका कलेक्शन भी मैं आपको दिखाऊँगी। फिलहाल तो हम यही कोशिश करें कि सोफ़ा कवर्स वगैरह जो है उस पर आपको एक झलक दिखलाएँ, टेबल कवर्स जो मिल रहे हैं वो आपको दिखलाऊँ कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ ये बहुत ही एक नॉमिनल रेंज की बाज़ार है, हर वर्ग के लिए है, ऐसा कुछ मैं कहूँ कि यहाँ पे बहुत लग्जरी या फिर प्रीमियम चीज़ें हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कई दफ़ा ऐसा होता ना कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो हम लेते हैं वो भी हमारे बड़े काम की होती हैं और अच्छी होती हैं। और थोड़ा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर प्लास्टिक की जो स्टैंड्स हैं, स्टूल्स हैं, उनसे जुड़ी प्लास्टिक की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। मैं एक नज़र दिखला दूँ। और दीपावली में दोस्तों कई दफ़ा हम अपनी जो पुरानी डब्बे हैं, बकेट्स हैं या और भी चीज़ें हैं उनको भी ज़रूर से ज़रूर बदलते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। आप देख सकते हो मसाले के डब्बे वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छा, ये ब्राउन जो सामने आपको दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख जाएंगे। स्टैंड्स वगैरह भी अगर आप देखें तो वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इस तरीके के छोटे छोटे स्टैंड्स बहुत काम आते हैं आपको, फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए भी आपको बहुत सारे स्टैंड्स मिल जाएंगे। और ठीक उसके आगे फ्लावर्स की बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे भी है। तो दोस्तों एक आध इस तरीके के सजावटी फूल आपको जो है ज़रूर लेके आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया अपना आपके लिए सही रहेगा। साथ ही साथ प्लास्टिक के भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डस्टबिन्स वगैरह हैं कवर वाली, उसके बाद फिर आपके पास और भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, बहुत सारी चीज़ें हैं। फूलों का बहुत बढ़िया कलेक्शन यहाँ पे है दोस्तों। कपड़ों के लिए हम किसी खास दिन ज़रूर आएंगे, लेकिन आज मैं आपको डेकोरेटिव्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके आपको वही सारी चीज़ें जो हैं वो दिखला रही हैं। ठीक है, पर्पज़ से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे सोफ़ा कवर्स मिल जाएंगे, फ्रिज कवर्स वगैरह मिल रहे हैं दोस्तों। ये एक आपको नीले रंग के हाँ के ऊपर हाथी का बहुत सुंदर सा बना हुआ सोफ़ा कवर दिख जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट सोफ़ा कवर हैं, बेसिक आपके सोफ़ा कवर्स हैं, प्रिंटेड हैं, काफ़ी सारे कुशन कवर्स भी हैं, वो मैं आपको दिखा दूं, करीब से भी मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके की चीज़ें हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो मिल जाएंगे। टेबल क्लॉथ्स वगैरह मिल जाएंगे, डाइनिंग टेबल कवर मिल जाएंगे, इस तरीके के बेसिक जो टेबल कवर्स हैं वो सोफ़ा कवर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और पीछे अगर आप देखो थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ तो आपको ये कुशन कवर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट के ऊपर जो है वो। पीछे जो आपके ये कुशन कवर है जो वाइट एंड ब्लैक, उसकी क्या कीमत है? इसकी 250 रुपये। आपको 250 रुपये का दोस्तों ये मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें भैया के पास हैं।